धोखा मिला जब प्यार में तो जिंदगी में उदासी छा गई। धोखा मिला जब प्यार में तो जिंदगी में उदासी छा गई। सोचा था छोड़ देंगे प्यार करना, पर आज मोहल्ले में दूसरी आ गई। इश्क की आग में जलकर खाक ना हो जाओ, इश्क की आग में जलकर खाक ना हो जाओ, और मैसेज में उतना ही घुसो कि ब्लॉक ना हो जाओ। फिर आ गए। और मेरे भाइयों, कैसे हो आप लोग? आई होप कि सब बढ़िया होगे। स्वागत है आप सभी का सोलो कॉन्करर रैंक पुश वीडियो में। अब आज की वीडियो में रहने वाले तीन गेम प्ले, मतलब कि तुम्हें एकदम मजा सा आ जाएगा। बाकी देखो, एक गेम प्ले में अपन ने निकाला विनर विनर चिकन डिनर, और एक मैच में अपन बताने वाले है कि आप लोगों को सर्वर फ्रीज हैकर के सामने कैसे सर्वाइव करना है। क्योंकि बाकी कोई नॉर्मल हैकर हो ना तो आप जोन के बाहर रहकर सर्वाइव कर सकते हो, लेकिन ये सर्वर फ्रीज हैकर के सामने आप कुछ कर ही नहीं सकते। लेकिन आज का वीडियो देखने के बाद आप एक बार भी माइनस नहीं खाने वाले, बल्कि एकदम बढ़िया सा प्लस निकालोगे। और एक हैकर के साथ तुम्हारे भाई ने जो एकदम मोमे वाला सीन करा ना, वो देख के तुम्हें जो ही नेक्स्ट लेवल हंसी आएगी। बस वीडियो को एंड तक देखना, और बाकी थर्ड गेम प्ले में रहने वाली है फुल ऑन तबाही। अब बात करें अपने फर्स्ट गेम प्ले की, तो इस वाले मैच में तुम्हारे भाई ने इवेंट पे दो किल निकाल लेते, उसके बाद एज यूजुअल अपन जोन का सेंटर आके होल्ड कर लेते, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गिनती की एक रोटेशन आती है, और एज हमेशा नेक्स्ट सर्कल अपने ऊपर से शिफ्ट। तो कोई काम धंधा थोड़ी है अपने पास, उठाओ अपनी बग्घी चलो नेक्स्ट सर्कल में। वह बग्घी कहाँ गई मेरी? अच्छा, दूसरी साइड पार्क करी है। भाई साहब, कैसे नशे में गेम खेलता मैं। बाकी भाइयों, आप लोगों का मतलब दिल से शुक्रिया, अपनी कल की वीडियो का कमेंट टारगेट भी पूरा हो गया। लेकिन यार, कल की वीडियो पे आप लोगों ने लाइक कम करवाया, और कल की वीडियो आधे घंटा लेट क्या होगी, तुम लोगों ने वीडियो नहीं देखी, मतलब ऐसे करोगे तुम लोग। और वो येलो डॉलर पे ध्यान मत देना, चिंता मत करो, तुम्हारे भाई की किस्मत ही ऐसी है, रोज होता रहता है ये उठपटांग काम, मेरे साथ होते रहता है, चिंता मत करो। और बाकी अपना आज की वीडियो का लाइक टारगेट है सिर्फ और सिर्फ 601 लाइक का, बाकी वजह भी दी जाएगी, चिंता मत करो। और बाकी कमेंट टारगेट है सिर्फ और सिर्फ 200 कमेंट्स का, कोई सा भी इमोजी कमेंट कर दो, लेकिन एक बंदा ज्यादा से ज्यादा सिर्फ दो कमेंट करना यार, तुम पूरा कमेंट सेक्शन भर देते हो। और बाकी ये वाला कार स्प्रे देखो, अपना लाइक करने की वजह भी तो देनी है, और ये तो सिर्फ शुरुआत है, अभी आगे देखना। और अभिन भैया जी को एकदम आराम से बग्घी से बाहर कर देते हैं, अपने अच्छे खासे 4 किल भी हो जाते हैं और टॉप 10 भी हो जाता है। बाकी देखना अपने को इस वाले मैच में कितने का प्लस मिलने वाला है। अभी रुको, अभी मैच खत्म नहीं हुआ, मरने नहीं वाला मैं, अभी रुको। अब देखो जोन के एच पे आके तुम्हारा भाई आराम से यहाँ पे रुक जाता है, उतने में सामने की साइड एक डासिया दिखती है। अब देखो तुम्हारे भाई ने इन भैया जी को ठीक ठाक से डरा धमका दिया है, लेकिन देखो अभी अपने को उनको निपटाना भी पड़ेगा, तो अपन जाते हैं डायरेक्ट रश करने। लेकिन यार आजकल ना थोड़ा बहुत गर्मी आने लग गई है, तो स्क्रीन पे थोड़ा पसीना आने लग जाता है, तो मेरा दुख दर्द पीड़ा समझो यार, बहाना कौन बोल रहा है भाई। अब देखो यहाँ पे रुक के मैं इन भैया जी के ऊपर नेट वेट ट्राई करता हूँ, जिससे ये भैया जी एकदम आराम से बच जाते हैं, उसके बाद ये भैया जी अपने ऊपर ओपन से पुश करते हैं। अब देखो भाई 10 सेकंड पीछे करके ना एकदम ध्यान से दोबारा देखो, तुम्हारे भाई का फायर वायर रुका है, स्कोप बार बार ऑन ऑफ हुआ, ये होता है जब स्क्रीन थोड़ी बहुत गीली हो जाती है, पसीना आ रहा था मेरे हाथ में, समझो भाई बहाना नहीं दे रहा सही में। अबे यार वैसे सही बात है, तुम्हारे भाई ने बहाने इतने दे रखे, क्या करूं यार, बहाने देने में PhD कर रखी है, कोई बंदा यकीन ही ना करे अगर सच भी बोलूं तो। अब देखो सही बता रहा हूँ, अगर M4 में रेड डॉट लगा होता ना तुम्हारा भाई उतार देता। अब देखो खैर तुम्हारा भाई अब ना थोड़ा बहुत ढंग से खेलने लग गया इज्जत से, वरना अब तक तो मेरी पेटी बन जाती है, फिर तुम्हें यहाँ पे 8-9 किल दिख रहे होते, बस यही दो काम होते मेरे साथ। तो यहाँ पे देखो तुम्हें 8-9 किल नहीं दिख रहे ना, इसका मतलब तुम्हारा भाई थोड़ा इज्जत से खेल रहा है। तो मैं थोड़ा इज्जत से खेलते खेलते #2 तक आ गया था, उसके बाद लास्ट बंदे से फाइट देखो। अब देखो हम दोनों के बीच में काफी देर नेट वेट का आदान प्रदान चलता है, जिससे कद्दू कोई फर्क नहीं पड़ता, उस बंदे को फर्क नहीं पड़ता भैया, मेरा तो एक बार ठेला लाल हो चुका है पूरा, बच गया बस 1 HP। उसके बाद ये भैया जी अपने ऊपर पुश करते हैं, क्योंकि जोन नहीं है ना भैया जी के पास। लाइक करो रे, लाइक करो, देखो मैं खुद सदमे में खड़ा हूँ भाई, 2 सेकंड तो मैं हिला ही नहीं, मैंने ये क्या कर दिया, FPP करके तुम्हारे भाई ने पहली बार मार दिया, वरना FPP देखो मैंने आज तक जिंदगी में यूज नहीं करा ऐसे फाइट के बीच में। We are number 1। वह बेवकूफ इंग्लिश सुधार, अपनी अकेला खेला मैं, We are number 1। अकेला चिकन निकाला मैंने, वी कहाँ से आ गया। देखो भाई अपना चिकन विकन वाला गेम प्ले हो चुका, अब थोड़ी ICU वाली बातचीत होगी, अरे सीरियस वाली बातचीत भाई। अब देखो ये उस टाइम की बात है जब तुम्हारे भाई बीच में खेल रहा था, मेरे मैच में ये सर्वर फ्रेज नाम के दल्ले पहली बार आया था, उसके बाद तुम्हारे भाई को अजी कद्दू नहीं आता पता कि क्या करना होता क्या नहीं करना होता है, तो तुम्हारे भाई मस्त खेल रहा, उसके बाद देखो अपनी पिंक की साइड नजर डालो, पिंक हाई हो ना, अबे जल्दी हाई हो भाई,
हाँ देखो हो गई हो गई। अभी साले मैच में एक सर्वर फ्रीज हैकर था, उसने सर्वर को फ्रीज कर दिया। अब ये मेरा पहला टाइम था। इसके बाद ना जब भी आप लोगों का ये मैच सर्वर रिस्पॉन्स टाइम आउट जो भी फलाना ढिमकाना अंग्रेजी में लिखा होता ना, वो चीज़ में आप लोगों को ओके नहीं दबाना है। देखो वो ओके का बटन दबाते ही मेरे को मेरी लॉबी के दर्शन करा दिया। भाई इसके दर्शन तो मैं रोज करता हूँ, मेरे को मैच में जाना। तुम्हारा भाई गेम रिस्टार्ट करके आता है। उसके बाद देखो एक चीज़ अच्छी थी कि मेरे को दोबारा एंट्री करने का मौका दे देते हैं ये लोग, लेकिन बहुत देर तक नहीं, दोबारा बाहर फेंक देते हैं। इसका मतलब समझ रहे हो दया? ख्वाब दिखाता है कुछ। देखो मजाक से हटके जब भी आपके मैच में ये सर्वर फ्रीज वाला हैकर आ जाएगा, आप लोगों को ओके वोके पे क्लिक नहीं करना, कहीं पे भी क्लिक नहीं करना, बस बैठ के इंतजार करते रहो। देखो अभी दिखाता हूँ, इस वाले मैच में दोबारा आया था ये हैकर। ये कौन था भाई? मतलब ये रियल वाला मर्जिटार है भैया, एक ही अकाउंट है गिनती का, और अभी सिर्फ और सिर्फ 6,000 सब्सक्राइबर है, सिर्फ 6,000। एक एक रुपया भेज देते तो बहुत अच्छा हो जाता, लेकिन देखो सिर्फ 6,000 सब्सक्राइबर है। इतना नहीं फेमस हो गया अभी कहीं कि भैया मेरे नाम के फेक अकाउंट बन रहे हैं, एक ही अकाउंट है, वो मैं ही था। और भाई देखो जितने भी भाई अपने ये ऑल पे मेरा नाम देखने के बाद मेरे से बात करने के लिए हेलो मर्जिट करते हो ना, सॉरी भाई, देखो तुम्हारा भाई माइक नहीं खोल सकता है, क्योंकि एक तो देखो मेरी आवाज से तुम्हें लगेगा ही नहीं, ऑल पे पता नहीं मैं जब बोलता हूँ सारे बंदे बोलते तुम मर्जिट हो ही नहीं, मतलब जिंदा बेइज्जती हो जाती मेरे से, मेरे को ही बोल देते कि नहीं तू मर्जिट नहीं है। वाह भाई साहब, मतलब यहाँ बैठ के वीडियो मैं बनाऊँ, मेहनत मैं करूँ, वीडियो की ये फालतू की बकवास मैं सोचूँ, मैं ही मर्जिट नहीं हूँ। वाह भाई साहब, पता नहीं कैसी अलग आवाज जाती है। और अगर मैंने माइक खोल दिया तो एक आधे चिलगोजे को पता नहीं क्यों ऐसे चुल मच जाती है, वो मतलब फालतू बोलेगा ही बोलेगा, तो इस वजह से तुम्हारा भाई माइक नहीं खोलता है, तो इसलिए समझा करो भाइयों। बाकी देख सकते हो इस वाले मैच में भी सर्वर फ्रीज हैकर आ गया था। ये देखो मेरे कैरेक्टर को देखो, कहाँ मतलब ये कहाँ चला रहा है। अब देखो ऐसे टाइम पे ना आप लोगों को कुछ नहीं करना, ना बैक करना, ना फ्लाइट मोड पे डालना, कुछ भी नहीं करना, क्योंकि जो हैकर है ना वो सर्वर को फ्रीज कर देता है, उसके बाद उसको अनफ्रीज करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसका खुद का नहीं चलता, वो पूरा सर्वर फ्रीज है, एक बंदे का भी नहीं चलेगा, तो इसलिए आप लोगों को कुछ नहीं करना। जब वो अनफ्रीज करेगा ना तब आप लोगों को गेम खेलना है। बाकी देखो आप लोगों को बस ओके पे क्लिक नहीं करना है, अभी आप लोगों को पूरा सीन भी दिखाने वाला हूं, और सर्वर अनफ्रीज होगा, जल्दी होगा, आप लोगों को बस वेट करना है, क्योंकि वो हैकर खुद नहीं खेल पाएगा, अगर उसको खेलना तो अनफ्रीज करना पड़ेगा, तो इसलिए आप लोग बस वेट करा करो। अभी देखो थोड़ी देर के बाद खुद ही सही हो जाएगा, उसके बाद पूरा मैच एकदम बढ़िया चलेगा। अब देख सकते हो मैं तो देखो कितना आराम से खड़ा हूँ, मैं भैया फोन साइड में रख के दूसरे फोन में रील देखने लग गया। देखो कैसे बेहोशों की तरह खड़ा हूँ, जैसे होश आ रहा हूँ अभी अभी, तो तुम्हारा भाई आराम से खड़ा हुआ था, अपना सर्वर सही हो गया। अब मैं जाता हूँ सीधा अंदर, और इस बार इतनी ज्यादा घटिया किस्मत थी ना, अपने को सिर्फ पिस्टल मिलती है यार, और सामने एक बंदा है। अब अपनी किस्मत तो घटिया थी तो थी, उस बंदे की ज्यादा घटिया थी, वह उसे पिस्टल भी नहीं मिली, वो बेचारा कटाना चला रहा, कटाना भी नहीं मिली भाई साहब। अब इन भैया जी को निपटा के अपना अच्छा सा खाता खुल गया था। उसके बाद तुम्हारा भाई कमर तेरी लेफ्ट राइट हाल है करता हुआ इवेंट पे पहुंच जाता है गोरे गोपाल। और भाई एक चीज बताऊं, अभी जो तुम लोग मेरी डेली वीडियोस देख रहे हो ना, अगर मैं ये बोलूं कि ये मेरी बेकार वीडियोस थी, हाँ बेकार वीडियोस थी, अभी तुम बस मेरा एक बार कॉन्करा हो जान दो, उसके बाद तुम्हारा भाई जो कंटेंट लाने वाला है, जो कंटेंट मतलब लाने वाला है, तुम देख के खुद बोलोगे वाह भाई साहब क्या वीडियोस हैं। मजाक से हट के बस 3 से 4 दिन रुक जाओ, अपना कॉन्करा होने वाला है, बस 3 से 4 दिन रुक जाओ, अपना कॉन्करर हो जान दो, उसके बाद तुम्हारा भाई तुम्हें दिखाएगा कि कंटेंट किसे बोलते हैं। अभी तुम्हें जितना भी मजा आता हो वीडियो में उससे 4 गुना मजा आएगा, गारंटी है तुम्हारे भाई की, जस्ट वेट एंड वॉच। और अगर आप लोग भी एक्साइटेड हो नए कंटेंट के लिए तो बस एक बार ये वाला कमेंट कर देना, एक्साइटेड विद दिस वाला इमोजी। अब देखो तुम्हारे भाई ने इन भैया जी को अच्छा खासा डैमेज दे दिया था, उसके बाद मैं एकदम आराम से निपटा भी देता, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा 40 स्टेप में दिक्कत हो जाती है। अब इन भैया जी का जो हेल्थ लगाने का साउंड था ना, उस हिसाब से मेरे को लगा ये बगल वाले कमरे में है, तो मैं वहीं देख रहा था, और यहाँ से भैया जी एकदम अपने को आराम से निपटा देते हैं। चलो बढ़िया मारा। देखो अब इसके बाद तुम्हारा भाई लूटपाट की वारदात को अंजाम दे ही रहा था कि किल फिट देखो जरा, पहले तो यहाँ पे बंदे अलाइव देखो, 51 बंदे अलाइव है, उसके बाद जैसी जोन मतलब सारे बंदों को ऑफलाइन बंदों को डैमेज दे रहा था, उसके बाद बंदे देखो कितनी जल्दी में गिरे, उसके बाद सिर्फ 28 बंदे बस, और किल फिट देखो, अब देख सकते हो कितने सारे बंदे एक साथ किल फिट से मरे। तो बस अब ये वाला सीन आप लोगों के साथ ना हो तो बस जैसा बताया वैसे खेलना, और बाकी वीडियो को लाइक कर देना इस वाली चीज के लिए। अब देखो तुम्हारा भाई जा रहा था अच्छा खासा जोन में, उतने में पीछे की साइड से अपने को एक बग्गी का साउंड आता है, मैं अच्छा खासा जा रहा था, इन भैया जी को चुल मच जाती है। अब देखो व्हेन अ चुल पर्सन मीट्स अनदर चुल पर्सन, इजी एकदम आराम से निपटा देते हैं इन भैया जी को। अब इन भैया जी ने सोचा होगा मैं यहाँ पे रुकूंगा नहीं, मैं एकदम आराम से चला जाऊंगा, अरे भैया जी तुम पे जितनी ज्यादा चुल है ना उसकी 4 गुना है मेरे अंदर। अब देखो अपन जा रहे थे सीधा जोन का सेंटर होल्ड करने, और बस अब अपने ऊपर एक स्प्रे आने वाला है, वो स्प्रे देखना। अब इस बंदे की गोलियां जितनी तेजी में अपनी बग्गी पे लगी है ना, बस मैं देख के समझ गया था ये बंदा कुछ ना कुछ गड़बड़ है। उसके बाद ये भाई साहब अपने को देखो अभी कैसे निपटाने वाले हैं। अब
अबे यार एक तो ये बीजेमआई वालों, ये कटाना हाथ में रख के लेटने का सिस्टम दो यार। अब देखो इनका जॉर्ड लेवल स्प्रे देख के तुम्हारे भाई को थोड़ा बहुत डाउट था इनके ऊपर, तो देखो जब डाउट होता है ना तो अपने अंदर की भड़ास निकाल देनी चाहिए, रिपोर्ट मार देनी चाहिए। तो बाकी देखो 24 का प्लस अपने को हैकर लॉबी में मिल गया था। अब इन भैया जी को रिपोर्ट मारने के दो रीजन थे, पहला मेरी भड़ास, दूसरा इनकी केडी। तो तुम्हारे भाई ने मार दी रिपोर्ट, अब बस रिपोर्ट पड़ गई। भैया जी का नाम देख लो, यू से स्टार्ट हो रहा है। भैया जी के लिए एक गाना हो जाए, हम बाप हैं तुम्हारे, तुम बेटे हो हमारे, हमसे डरा करो, हमसे डरा करो। हाँ तो अब इन भैया जी से बस एक ही चीज कहना चाहता हूँ, फालतू बकचोदी नहीं। और बाकी देख रहे हो इस बंदे पे मेरी चलती बग्गी में एक गोली नहीं मारी गई। बेटा अपने पिताश्री से सीखो कार स्प्रे कैसे मारा जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट मैच में, निपट में जल्दी साले, अगला मैच स्टार्ट करना, बहुत सही। अब बात करें अपने थर्ड गेम प्ले की, जिसमें हल्की फुल्की सी तबाही होने वाली है। तो तुम्हारा भाई जा रहा था गोरे गोपाल, बट नॉट एट अपने रजिस्ट्री वाले घर पे, क्योंकि भैया तुम लोगों ने यार दिमाग खराब कर दिया। प्लेन में मेरा नाम देखते साला आधा प्लेन तो वहीं कूद जाता, मेरे घर से मेरे को ही घर निकाला दे दिया जाता। मतलब भैया तुम तो जानती हो मेरी किस्मत, गन के नाम पे मेरे को कद्दू कुछ नहीं मिलता। तो तुम्हारा भाई अब इधर उधर जाता, मेरे को पता ही नहीं मैं कहाँ जाऊँगा, मेरे को खुद नहीं पता, मैं तुम्हें क्या बताऊँ। त्रुम 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 त्रुम, अभिन भैया जी को निपटा के अपना जगह सा खाता खुल गया था, बट वी नीड अपना सेकंड वाला किल, बिकॉज तबाही तभी मचेंगी। अभिन भैया जी को निपटा के देखो तबाही मच चुकी है, क्योंकि मर्जिट वाईटी के नाम की दो बार किलफिट आ चुकी है। दो बार किलफिट आ गई, बंदों ने नोटिस कर लिया मर्जिट वाईटी मैच में, मतलब तबाही मच गई। और बाकी कौन बोल रहा है कैम करके निपटाया, देखो मैं होल्ड करके निपटाता हूँ, तुम कैम करके निपटाते हो, तुम करो तो कैंपिंग, मैं करूँ तो होल्डिंग, बस बात इतनी सी फर्क है। अबे हरे मेंढक ढंग से चल ले, अभी दो मंजिल से नीचे फैल जाता। अभी इन भैया जी को निपटा के अपने जगह से तीन किल हो गए, तो उसके बाद देखो अभी टोटल और कितने किल्स निकालने वाले, पूरा इवेंट खाली करेगा तुम्हारा भाई, तुम टेंशन काहे ले रहे हो। और बाकी देखो एक नेट काफी है तुम्हारी जिंदगी के सारे दुख दर्द पीड़ा मिटाने के लिए विद जिंदगी। अब मजाक करके मेरे को इस बंदे का साउंड ना सामने वाले घर से आ रहा था, मैं उसमें नेट डालने वाला था, वो तो मेरे को सही टाइम पे स्पॉट हो गया। उसके बाद तुम्हारा भाई और आगे निकल जाता है और बंदों की तलाश में, हाथ में कटाना लेके। और भाई साहब पता नहीं मेरे यूट्यूब को आजकल क्या हो गया, ऐसे ऐसे गाने मेरे को क्या बोलते उसे क्या 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 दिखाता है ना होम स्क्रीन पे, हाँ वो जबरदस्ती करता है कि तुम इस पे क्लिक करो 10 बार दिखा देगा। तो उसमें भाई साहब ऐसे ऐसे गाने दिखाता है ना मेरे को, नीली है सलवार नीला कच्चा है, नहीं देखनी भाई मेरे को नीली सलवार। देख रहे हो एक बॉट तक को मैंने दो हेडशॉट और एक बॉडी शॉट मारा, वो भी शॉटगन का, तब जाके मारा वो। अभी इसकी जगह बंदा होता 4 बार पेटी डाल देता मेरी। उसके बाद इवेंट पे अपने को एक सब्सक्राइबर भैया जी मिल जाते, जिनसे काफी देर बातचीत करते, और वहां पे एक ही गाड़ी थी तो अपन दोनों एक ही गाड़ी में निकल लेते। अब इनको बोलता बग्गी ले लो, बग्गी ले लो, लेते ही नहीं। अब ये भैया जी शायद से मेरे भरोसे अपना फोन रख के चले गए, तुम्हारे भाई ने बोला तुम्हारे भरोसे की ऐसी की तैसी, तुम्हारा भाई जा रहा बग्गी लेके उस बंदे को मारने। अब इस बंदे के साथ तुम्हारे भाई ने जो स्कैम करा है ना, मतलब देखो इस बंदे को मैंने इतना भगाया, उसके बाद देखो बस सीन का करा है। देखो यहाँ तक तो मैंने इन भैया जी को भगाया था, उसके बाद रिज के ऊपर जाके ना मैंने सोचा था रुक के स्प्रे लूंगा, लेकिन ये भैया जी रुक लिए। कैसा लगा मेरा मजाक, मैं फाइट ही नहीं ले रहा, मैं जा रहा अब यहाँ से। अब देखो मैं यहाँ पे फाइट ले लेता, लेकिन फाइट लेने का फायदा क्या जब मेरे को वहाँ पे होल्ड ही नहीं करना, इससे बढ़िया जोन के सेंटर में जाके फाइट लेंगे। लेकिन उससे पहले ये वाला बाइक स्प्रे देखो। अब और बताओ तुम्हें और कितनी वजह चाहिए वीडियो को लाइक करने के लिए, मतलब यार इतना ज्यादा स्मूथ बाइक स्प्रे मारा तुम्हारे भाई ने, कार स्प्रे भी मान लो तुम कुछ भी मान लो, लेकिन मारा तुम्हारे भाई ने, तो लाइक कर दो बस। उसके बाद अपन जोन के सेंटर की साइड आके ये वाले कंपाउंड पे आराम से होल्ड कर ले, तो अब बस देखते जाओ यहाँ से भी अपन कार स्प्रे मारने वाले। मतलब यार तुक्के लग जाते तुम्हारे भाई के, हाँ एक आधा तुक्का लगता होगा, दो तीन मेरे सारे तुक्के लगते हैं, तुम्हारे भाई के स्प्रे विस्प्रे थोड़ी अच्छा है, तुक्के लगते हैं भैया, हर मैच में 4 तुक्के मैं ऐसे मार देता हूँ। अब देखो किसी बंदे की किस्मत कितनी ज्यादा अच्छी हो सकती है, मॉन्स्टर ट्रक वाले को देखो। अब ये भैया जी पहली बारी में 1 HP बच के गए थे, दूसरी बारी में इसलिए बच गए क्योंकि रेड डॉट से स्प्रे लिया। अब यहाँ पे जब सिक्स से स्प्रे लेना चाहिए तब मैं रेड डॉट से स्प्रे ले रहा हूँ, कैसे उल्टी बुद्धि हूँ भाई। अब उतने में यहाँ पे एक भैया जी यहाँ पे डासिया बदल रहे थे, तो देखो अब त्रुम 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 त्रुम, तुक्का लग गया, कोई बात नहीं तुक्का लग गया, एक मैच में 4-4 बार तुक्के लग जाते मेरे, है ना। देखो इस कंपाउंड पे काफी देर होल्ड रखता हूँ, अपना टॉप 20 भी हो जाता है और नेक्स्ट सर्कल यहाँ से शिफ्ट हो जाता है। उतने में आती है कपल आरबी की रोटेशन, जिसमें कि मतलब कपल जा रहे थे, दो बंदे थे टीम अप वाले। अब यार वो स्प्रे ना मैंने थोड़ी देर पहले लिया था और मैंने वो गलती से कट कर दिया, अब अगर मैंने बैक करा तो काफी सारी एडिटिंग की उथल पुथल हो जाएगी, इसलिए तुम मान लो मैंने उन्हें काफी ज्यादा डैमेज दिया था, मुझे एक भी किल नहीं मिला। वो जो सामने कपल आरबी दिख रही है देखो इसको खोल बे, हाँ ये वाली नहीं जो नीचे खड़ी है उसमें थे। अब इसके बाद अपन चलते सीधा नेक्स्ट सर्कल में, अब बस देखो कहाँ पे जाके होल्ड करते और कैसे पोजीशन निकालते, और बाकी लास्ट में तुम्हारा भाई जो ही ठिला है ना, मतलब यार मैं क्या ही बोलूं, तुम बस देख लो।
और अजी मेरा कद्दू खेले सेव वाली परंपरा को जारी रखते हुए तुम्हारा भाई सीधा कंपाउंड पे पुश कर देता है। अब इस कंपाउंड के अंदर जो बंदा था ना उससे काफी देर तक नेड़ मौली का आदान प्रदान होता है जिससे कद्दू कुछ नहीं करता। उसके बाद अपन डायरेक्ट पुश कर देते हैं। अभिन भैया जी को भी जैसे तैसे निपटा देते हैं। पता नहीं मेरे को समझ में नहीं आया मैंने ज्यादा बेकार खेला या वो भैया जी ने ज्यादा बेकार खेला। वे दोनों के दोनों लगे पड़े हुए एमपी से, कोई ना मर रहा। अब देखो यहाँ पर तुम्हारा भाई थोड़ी देर के लिए मेंढक के कपड़ों में छिपकली बन जाता है, मतलब बिल्कुल दीवार से चिपक जाता है। उसके बाद बाहर की साइड में दो बंदों में मुठभेड़ हो जाती है। ना भैया ना मैं गलत था, ये मुठभेड़ वाला फायर ना था, ये तो सीधा सीधा डसा गया है, मतलब एक ही फायर आया। चलिए बहाना प्रक्रिया शुरू करते हैं। अब देखो बहाना ये है, वो बंदा यार लेटा ही ऐसे पड़ा, मैंने उसे हल्के में ले लिया, वरना अगर ढंग से फाइट लेता तो तुम्हारा भाई मार देता आराम से, ठीक है। बाकी 30 का अच्छा खासा प्लस मिल जाता, उसकी हेल्थ भी देख लो। अभी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलता हूँ मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम सारे भाइयों को, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और बाकी इंस्टा पे भी फॉलो कर लेना, वो मैं बोलना भूल गया था, वैसे तुमने करना नहीं है लेकिन मैं बोल दूँ अपनी साइड से।